विश्व बाल दिवस, गांधी मैदान पटना बिहार। आज विश्व बाल दिवस है। दुनिया भर में विभिन्न प्रकार, विभिन्न संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और शिक्षण संस्थाएं जो हैं बाल अधिकार के संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। आज भी जो है पटना के गांधी मैदान में एक बच्चों का अखबार का प्रकाशन का विमोचन किया गया, जिसका विमोचन पटना के जिलाधिकारी संजय अग्रवाल जी ने किया। आइए जानते हैं एक बच्चे से कि उनकी क्या समस्या है और वह दुनिया से क्या कहना चाह रहा है अपनी समस्याओं के बारे में। सुनो ए, इधर देखो ये लड़का क्या नाम है तुम्हारा? नाम है मोहम्मद चांद। मोहम्मद चांद, नाम तो बहुत अच्छा है। कहाँ रहते हो? हम रहते हैं रोड पर, रहते हैं सड़क पर। हाँ। सड़क के किनारे। हाँ। और कौन कौन साथ में रहते हैं? मेरी मम्मी तो सेट हो गई है। क्या हो गया? ओ हाँ। नहीं रही अब। ओ माँ नहीं रही। कितने भाई बहन हो? हम लोग भाई नहीं हैं, हम भाई अकेले हो? हम सबसे बड़े हम हैं। अम्मी नहीं है? अम्मी नहीं है घर में, अब्बा हैं। हाँ, अब्बा हैं। हम पापा हैं। हाँ। इसके लिए हम लोग खाना कैसे कैसे हम लोग खाते हैं, कैसे हाँ। क्या करते हो जो भोजन की व्यवस्था होती है? हम लोग चल जाते हैं किसी किसी होटल में घुस घुस के, प्लेट धो के। हाँ। अब हम लोग कुछ पैसा बोलते हैं, कुछ मालिक पैसा दे दीजिएगा। हाँ। सेवा कर देते हैं। तो कौन सा होटल जाते हैं? यही वाला होटल में जहाँ पे जलेबी मिलता है। रोड के किनारे छोटा सा दुकान है, उसमें बर्तन धो देते हो तो कुछ खाने के लिए देता है? और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नहीं देता है खाने के लिए? नहीं, कभी नहीं देता। मतलब ऐसा हो जाता है सुबह शाम थाली धोते हो तब तुमको खाने के लिए मिलता है कुछ? पापा के, अब्बा को कैसे खाना मिलता है? पापा को, अब्बा क्या करते हैं? पापा तो अकेले खा लेते हैं। अब्बा क्या करते हैं? अब्बा ये नफते हैं। कौन सा काम करते हैं? घास छीलते हैं गांधी मैदान में? गांधी मैदान में घास छीलते हैं? गांधी मैदान में घास छीलते हैं और उसको बेचते हैं, पैसा होता क्या करते हैं वो? और पैसा को हम लोग जमा करके। हाँ। एक हम लोग घर बनाना चाहते हैं। कहाँ पे? उस यहाँ पे गाड़ी भी लगती है। हाँ। तो हम लोग कुछ तो तुम पढ़ते हो, स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। स्कूल में पढ़ते हो? स्कूल में पढ़ते हो भाई लड़का? स्कूल में पढ़ते हो चांद? कौन सा स्कूल में? टू में पढ़ते हो। वहाँ किताबें मिलती हैं तुमको? हाँ। सरकारी स्कूल में किताब मिली है तुमको? और वहाँ भोजन भी मिलता है? खिचड़ी नहीं मिलता है? तो कभी भी ऐसा हुआ है कि बिना खाना खाए हुए सोए गए हो, ऐसा भी हुआ है कभी बारिश वगैरह में? ऐसा कभी हुआ है? नहीं ऐसा, लेकिन ऐसा तो हुआ लेकिन बारिश में, लेकिन हम सब सो गए थे, लेकिन तो पानी की व्यवस्था ना जाना, हम लोग भीग जाते हैं, जो रहता है ना जो कपड़ा लगता है ये सब जो सब भींग जाता है। तो अपना घर तो है नहीं? पहले हम सब सुखाते, जगह नहीं मिलता घास पे। हाँ। सुखा ले वही गांधी मैदान में। हाँ। तो क्या कहते हैं, अब्बा तुम्हारे लिए खाना लेके नहीं आते हैं? आते हैं, मिलजुल के खाते हो एक साथ सब मिल? तो बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? बड़ा हम बड़ा होकर चाहते हैं, हम पुलिस बने। पुलिस बनोगे? हाँ। तो बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। हाँ। उनसे क्या कहना चाहोगे तुम? इसके हम ऐसे चाहेंगे, बोलो जो कहना है तुम कहो। जो हमको चाहिएगा हमको सिर्फ खाली घर बना दीजिए। घर बना दीजिए और हमको लैट्रिन बाथरूम नहाने वाने के लिए वो हो जाए। और किताबें पढ़ने के लिए? किताब चाहिए, कहानी की किताबें? कहानी की किताबें, खिलौने? खिलौने भी चाहिए? हमको बड़ा सा टीवी चाहिए। टीवी भी चाहिए? हाँ, हमको, हम सब कार्टून सब देख सकते हैं। हमको कुछ कमी नहीं हो सकती। हाँ। चाहे हम घर में, हमको घर में सोफा चाहे पलंग सब सब। अच्छा, अम्मी नहीं है, तुमको कैसा लगता है? हमको बहुत दुख होता है ना? कोई बात नहीं,
अच्छा तुम काम करो, ठीक है, पुलिस ऑफिसर बनो, पुलिस ऑफिसर। और पुलिस ऑफिसर क्यों बनना चाहते हो? हम चाहते हैं कोई हमको परेशान करेगा भी। तो परेशान कोई किया है तुमको? मारा भी है कोई गांधी मैदान में? कोई हमको तो मारा है, लेकिन तो मारा क्यों मारा? हम उसको मारते भी हैं तो, लेकिन हमको तो, तुम तो छोटा बच्चा हो, तुम मारो कहाँ से तुम किसी को? नहीं, हमको मारता, लेकिन हम कौन मारता है, कौन मारता है? बच्चा सब मारता है। तुमको छोटा बच्चा मारता है? क्यों क्यों भी नहीं करते हैं, हमको बोलते मारेंगे मारेंगे, हमको बोलते हैं। वो तो उससे दूर रहो, हम उसके साथ दूर रहते हैं। हाँ, अब ऐसे नहीं बोले कि वो मारता है हमको, तो पापा खुद मारते हैं। आई रहो यहीं पर, आई आज विश्व बाल दिवस है, बच्चों की बहुत सारी समस्याएं हैं। ये बच्चा भी जो है, इसका घर नहीं है, अम्मा नहीं, अम्मी नहीं है, इस कारण से भी बच्चा बहुत दुखी है। चांद इसका नाम है और बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। बच्चों के अधिकार के बारे में कुछ कहें आप, क्या अगर कहना चाहती हैं तो? रोड पे बच्चे हैं, उनके लिए घर होना बहुत जरूरी है। जी जी, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ, प्रॉब्लम है यहाँ की। जो भी है रास्ते पे रहते हैं, अगर रोड पे कोई गाड़ी आ जा रहा है, वो सब को चल जा रहे हैं, तो उन्हीं लोगों को दोष दिया जा रहा है। तो ये छोटे बच्चे रोड के किनारे सोते हैं, घर नहीं है, तो कार अगर उसके देह पर चढ़ गया तो फिर ये तो प्रॉब्लम है ना। जी, सड़क पर ही मौत हो जाएगी, सड़क पे मौत हो जाएगी। देखने वाले भी कोई नहीं, रोड पे किसी को कोई नहीं देखना, मतलब पसंद करते हैं। और गलती किन की होगी? इन्हीं की होगी। हाँ, कि सड़क पर क्यों थे? अगर बात है कि रोड आप लोगों ने बनाया चलने के लिए, तो घर बना दो, हाँ, रहने के लिए घर बना दो कुछ बच्चों के लिए जो हैं। हाँ, और बस यही है यहाँ के मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, कि ऐसे बच्चों को थोड़ा ध्यान दे जाए। जो बच्चे डेवलप करना चाहते हैं, उनके पास मतलब वो चीज़ नहीं रह पाते हैं, जो चीज़ को अचीवमेंट करना चाहते हैं, तो बस यही उनसे यही गुजारिश है कि वो चीज़ को प्रीफ्रेंस दें इन लोगों को, ताकि मतलब ये लोग भी को भी मतलब आगे बढ़ने का ये मिल सके, चांस मिल सके। तो ये जो गरीब बच्चा है, जिनकी माँ अम्मी नहीं है, अब्बा है, ये बेचारा जो है छोटा बच्चा सुबह और शाम थालियाँ धोता है होटल में, गांधी मैदान के किनारे, तब उसे खाने को दो रोटियाँ मिलती हैं। घर में चूल्हा जलता है तुम्हारे यहाँ? नहीं, इस बेचारे के यहाँ घर में चूल्हा भी नहीं जलता है, अपना घर भी नहीं है रहने के लिए, और क्या कहें। और ये बच्चा जो है फिर भी पढ़ लिख करके एक पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहता है। जी, सपना बहुत बड़ी है, इस बात की इसके पास वो चीज़ की डेवलपमेंट नहीं है। जी जी, डेवलप बस यही है कि मतलब नीतीश जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो काफ़ी मतलब बच्चे के लिए कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे पे ज़्यादा वो ध्यान दे, जिनसे मतलब वो अपने सपना को साकार आगे बढ़ सके। जाना बहुत ठंड लगती है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नीतीश, ये नरेंद्र मोदी जी से क्या करना चाहोगे? माननीय प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे नरेंद्र मोदी, उनसे आप क्या क्या कहोगे? जो भारत के राजा हैं। हाँ, बोलो अपना दुख बोलो, जो बोलना है बोलो, मौका है, बोल मौका। क्या बोलना चाहते हो? क्या चाहते? तुमको घर नहीं है रहने के लिए, सारा जो कुछ बोलना है बोलो, सब बोलो, जल्दी बोलो। और आप लोगों में तो बाल विवाह भी होता होगा, बच्चे में हो जाता होगा, क्योंकि रोड के साइड आप लोग रहते हो, तो इन्हें बच्चों का निकाल नहीं होता है। बोलो तुम अपने अधिकार। क्या बोलो क्या कहना चाहते हो भारत के प्रधानमंत्री? हम सिर्फ चाहते हैं मेरा घर बन जाए, रहने को घर हो, रहने के घर हो, मैं खाने को आ जाए, पढ़ने का ना है, हमको पढ़ने के लिए। और फिर सुनो, ये जो एक मिनट और घर, एक मिनट, ये जो सुबह शाम तुम जो है होटलों में गर्मी जाड़ा बरसात में थालियाँ धो करके तुम्हें दो रोटियाँ मिलती हैं, क्या कहोगे माननीय प्रधानमंत्री जी से? बोलो। हम कहेंगे हमको खाली नौकरी मिल जाए। पहले तो पढ़ना पड़ेगा बाबू। हाँ, पहले पढ़ लेंगे तब। लेकिन अभी जो है पढ़ना है, तो उसमें तो खाना चाहिए, खाना रोटियाँ कैसे मिलेगी? बोलो बोलो, पिताजी का कोई रोजगार नहीं ना है? बोलो पापा, बोलो कोई रोजगार के लिए। पापा को कोई रोजगार? क्या पढ़े हैं पापा? कितना पढ़े हैं पापा? पापा तो नहीं पढ़े हैं। नहीं, पापा नहीं पढ़े हैं। अम्मी नहीं है। तो पहले तो चाहिए रोटी, तो चाहिए। हाँ, बोल। रोटी तो चाहिए हमको, लेकिन तो सबसे पहले हमको तो चप्पल ही नहीं है।
तो सुनो, अगर कोई छात्रावास में तुम्हारा एडमिशन करा दे, माननीय प्रधानमंत्री जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, तो तुमको तो ये भोजन और आवास की समस्या दोनों ये हो जाएगा, समाधान हो जाएगा। बोलो माननीय प्रधानमंत्री से, बोलो कि मुझे कोई छात्रावास में नामांकन करवा दीजिए। लेकिन इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, इनके जैसे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे छात्र, बहुत सारे बच्चे हाँ, जो मतलब डेवलप करना चाहते हैं, हाँ, पर उनके पास अनुभव नहीं है। ये एग्जांपल होगा, इतने बड़े गांधी होंगे, इतने कितने बच्चे होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे। हाँ, तो ऐसे बच्चों के लिए भी एक ऐसा छात्रावास होना चाहिए जहाँ की इन इस तरह के बच्चों को छात्रावास, ये भोजन मिले, आवास मिले और शिक्षा मिले मुफ्त में, और सुरक्षा भी। हाँ, ऐसे बच्चों को सुरक्षा भी चाहिए। हाँ, ताकि ऐसे बच्चे जो है अपराधी गिरोह में शामिल ना हो जाए। ऐसे ही बच्चे तो बाद में चल के चोर, डाकू, यही सब करप्शन बनते हैं। गलत संगति में पढ़ने से, गलत से पैसे कमाने के लिए यही करना होता है। और बहुत सारे बच्चे लापता भी हो रहे हैं, तो ऐसे ऐसे बच्चों को तो बचा के भी रखना है ना। बोला भी जाता है कि मतलब हमारे बच्चे देश का भविष्य होते हैं, अगर देश का भविष्य सही करना है तो इनका भविष्य सही करना। हाँ हाँ, इन पर ध्यान देना होगा, इन्हें रोटी, कपड़ा और मकान, अशिक्षा, ये तीन चार चीज़, असुरक्षा, ये सभी चीज़ ऐसे बच्चों को मिलना चाहिए, तभी हमारा बिहार, हाँ, बिहार भी तो देश, बिहार मतलब देश का, देश का भविष्य बनेगा। क्या पता करोड़ों के देश के नए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कुछ भी तो बन सकते हैं, लेकिन अगर, लेकिन आज इनका अभी सुरक्षित रहेगा, चाहे अभी बचपना, तभी तो आगे प्रेजेंट सही रहेगा, तभी इनका पास्ट सही रहेगा, तभी इनका फ्यूचर सही होगा। अगर कोई इसे अच्छा गुरु मिल जाए, टीचर, तो इसका अच्छा निर्माण कर सकता है, है ना। बच्चे के पास टैलेंट बहुत है, हम लोग आधा घंटा में बच्चे को अच्छे से देख लिए, बहुत अच्छा, इसका मतलब टैलेंट है, डेवलप बहुत जल्दी कर जाएंगे, इसमें इतना कैपेबिलिटी है। लेकिन कोई सिखाएगा तो सीखेंगे। हाँ हाँ हाँ, ये बात है कि कोई सिखाएगा, इनमें है ये चीज कि हाँ हम सीख सकते हैं, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, प्लेटफॉर्म बस इन लोगों को चाहिए। अपना परिचय दें। बबीता कुमारी, हम भी ग्रेजुएट, मतलब है ग्रेजुएशन, इस बार फाइनल हो जाएगा थर्ड ईयर में, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे, बच्चों के अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? बहुत सारी संस्थाएं हैं, फिर भी जो है हम देख रहे हैं बच्चे जो है उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ राजधानी पटना में भी बाल, ये बाल श्रम जारी है, आप देखेंगे सड़क के किनारे। अब एक उदाहरण ये भी है, बाल श्रमिक का उदाहरण ये बच्चा भी है, क्योंकि यह बच्चा जो है सुबह और शाम जो खाता है रोटियां, वो उसे बर्तन धोने के बाद ही मिलती है। और रही बात की पटना में बहुत सारे करोड़ों सेठ हैं, गांधी मैदान में बहुत अमीर लोग, लाखों करोड़पति आते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा को मुफ्त में दो रोटियाँ देगा, नहीं देगा। बहुत बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हैं, पर किस मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं, मतलब कोई मतलब नहीं, नहीं, नहीं। क्या कर रहा है, क्या अपने की, अपने के लिए वो लोग कमा रहे हैं और अपने के लिए खा रहे हैं। तो बस यही है कि यार इतने पढ़ लिख के बड़े बन जा रहे हो, इतना पैसा कमा रहे हो, इस टाइप के कुछ बच्चों को देख रहे हो, थोड़ा इनकी हेल्प कर दो, कम से कम अगर कोई इसे दो रोटियां, अगर को दे दो, दो रोटियां अगर सुबह में दे देगा एक व्यक्ति भी, यहाँ तो लाखों लोग रहते हैं ना पटना में, दो रोटियां दे, इसे जूठी जूठे बर्तन साफ नहीं करना पड़ेगा, और बाल श्रम से भी ये बच्चा भी मुक्त हो जाएगा, है कि नहीं। और थोड़ा सा पढ़ाई पर भी ध्यान देगा, ये बच्चा स्वस्थ होगा तो हमारा समाज भी स्वस्थ रहेगा, हमारा बिहार भी स्वस्थ रहेगा, और देश भी तरक्की करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को सहयोग के लिए।